शब्द क्या है? देखिए, इंग्लिश में होता है शब्दा, हिंदी में होता है शब्द। शब्दा या शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भाषण ध्वनि। यानी कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें ध्वनि हमें सुनाई देती है, वो होता है शब्द। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत करनी है तो हम उसमें हम भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा का प्रयोग करते समय हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे शब्दों का। यानी कि शब्द जो है एक वैलिड प्रूफ है, किसका? प्रमाण का, जो किस में आता है? भाषा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बिना शब्दों के कोई भी भाषा नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी कभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों या कंपन ऊर्जा को संदर्भित करता है। देखिए, कभी कभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों, अब आप देखिए कि जो अगर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, आपका फ्रेंड वहाँ पे दूर खड़ा है, तो आप उसको ज़ोर से आवाज़ लगा के बुलाओगे, है ना, तो आके आवाज़ सुन लेगा। कारण क्या है? क्योंकि जो जो ध्वनि है, ठीक है, जो ध्वनि है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो जो वाइब्रेट हो गई, यानी कि जो कंपन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, जो हवा है, जो, ठीक है ना, जो हवा होती है वहाँ पे, अगर जो अब आप आवाज़ लगाओगे तो उसमें कंपन पैदा होगा। कंपन हो के हवा के जरिए उसके कान तक पहुँचेगा, तो आपके द्वारा कहे गए शब्द उसको वहाँ पे सुनाई देंगे। ठीक है, तो व्याकरणविदों के लिए शब्द भाषा भाषण की एक इकाई है। हिंदू और यौगिक दर्शन में यह मौखिक वास्तविकता या ब्राह्मण के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में मौखिक वाणी का वर्णन करता है। देखिए, इसमें क्या है कि जो मौखिक वास्तविकता क्या है? मौखिक वास्तविकता में यह है कि जब हम किसी चीज़ों को बोलते हैं तो उसका वैलिड प्रूफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को लिख के दिया जाए, वो ही वैलिड प्रूफ है। जब हम किसी चीज़ को बोल के बताया जाए तो होती है मौखिक वास्तविकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप देखिए कि जो ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त है, जैसे जो ब्राह्मण है, अगर जैसे वो कोई शादी के समय, कुछ भी समय, कोई मंत्र उच्चारण करता है, तो उसमें होता है ना, उसने मंत्रों का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया है, तो उसकी वो मौखिक इकाई है। यानी कि उसे मंत्रों के बारे में सब कुछ पता है, वो उसकी क्या है, वो उसकी मौखिक गवाही है कि हाँ, इसने इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो वो हमें मौखिक रूप से आ जाए, ठीक है, वो होता है मौखिक गवाही। किसके लिए होता है? ये शब्दों के लिए होता है। वैदिक साहित्य में शब्द ब्राह्मण को ओम की ध्वनि के माध्यम से सर्वव्यापी कहा जाता है। देखिए, अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें, में जो ओम शब्द है, अगर हम ओम साउंड को लगाएं, ठीक है, ओम साउंड की ध्वनि से क्या होगा? जो ओम साउंड की ध्वनि है उसे सर्वव्यापी कहा जाएगा। तो शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ध्वनि से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। उसमें जो ओम शब्द है वो सबसे सर्वप्रिय है। यानी कि दुनिया में जितनी भी भाषा है, भाषा में जो शब्द है, शब्दों में सबसे सर्वप्रिय कौन सा है, सर्वव्यापी शब्द कौन सा है? ओम, क्योंकि जो उसका साउंड है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए शब्द एक विशेष अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है जो ध्वनि द्वारा प्रकट होता है। अब देखिए कि जो शब्द है वो विशेष अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें विशेष अर्थ जो व्यक्त करना है वो किसके द्वारा होगा? वो शब्दों के द्वारा होगा। ठीक है, जो किससे प्रकट होता है? जो ध्वनि द्वारा प्रकट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ना कि नेता ने अपने भाषण में ये कह दिया, नेता ने अपने भाषण में वो कह दिया, उसने उसको गालियाँ निकाल दी, उसने उसको ऐसा कह दिया, वो किसके द्वारा आता है? वो शब्दों के द्वारा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द किससे उत्पन्न होते हैं? ये ध्वनि द्वारा प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई गुस्से में बोले, बोल तो वो शब्द ही रहा है, तो आपको भी गुस्सा आएगा। अगर वही बात आपको वो प्यार में बोलते हैं, फिर भी उसने शब्द ही बोले पर आपको उसमें गुस्सा नहीं आया। वैदिक साहित्य में मंत्र शब्द के आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाते हैं। अब देखिए, जो वैदिक साहित्य में जो मंत्र है वो जो शब्द है उसके आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाते हैं। देखिए, जो हमारे मंत्र हैं, चाहे वो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जो वैदिक साहित्य में मंत्र है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें शब्द लिखे गए हैं। शब्दों के उच्चारण से ही पता चलता है कि जो शब्द, जो ये मंत्र है वो किसके लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आध्यात्मिक प्रभावों को दर्शाते हैं। अब आप देखिए कि मंत्र, जिस भी भगवान के बारे में जो भी मंत्र लिखे होते हैं, वो मंत्र किसके रूप में लिखे होते हैं? शब्दों के रूप में। यानी कि दुनिया में जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा काम में है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप शब्दों के बिना किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है,
चाहे वो बोल के बताई जाए, चाहे वो लिख के बताई जाए, चाहे वो किसी किताब में, ग्रंथ में, कहीं पे भी हो, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें, सारी जो चीजें हैं एक ही कॉमन होगी। क्या होगा उसमें? शब्द कॉमन होगा। अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं शब्दों के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है फ्रेंड्स। उपनिषदों में सर्वदा पहली बार ब्राह्मण के दो प्रकारों की व्याख्या में दिखाई देता है, यानी कि जो शब्द है वो उपनिषदों में पहली बार दो प्रकार से दिखाई देगा। पहली बार, ठीक है फ्रेंड्स। उपनिषद होते क्या है कि जब ऋषियों की द्वारा कही गई जो कथन होते हैं वो किसमें दर्ज है? उपनिषदों में। यानी कि जब ऋषि मुनि पुराने समय में जब बैठ के प्रवचन देते थे तब लोग उसको बैठ के सुनते थे, तो उसे कहा जाता है उपनिषद। यानी कि ऋषियों के जो कथन है तो वो किसमें दर्ज है? उपनिषदों में। तो इसे पहली बार जो शब्दों की दो दो प्रकार की व्याख्या बताई गई थी, पहला था शब्दा ब्राह्मण यानी कि ध्वनि के साथ, फिर शब्द ब्राह्मण, सॉरी, शब्दा अशब्द ब्राह्मण ध्वनि के बिना। देखिए दो शब्द थे यानी कि दो प्रकार के, एक ध्वनि के साथ थे, ध्वनि के बिना थे। यानी कि वो शब्द जिसको हम ध्वनि के साथ बोले, यानी कि ऊंचा सुर लगा के बोले, वो है ध्वनि के साथ। बिना ध्वनि के वो होता है जब हम नॉर्मल बात करते हैं। जब हम किसी स्पेशल वर्ड को बोलते हैं, किसी स्पेशल खास शब्द को बोलते हैं, तब उसमें हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आप अपने दोस्त को आवाज़ लगाओगे तब उसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से आवाज़ लगाओगे, ठीक है। जब आप किसी से नॉर्मल बातचीत करोगे तो आप बिना ध्वनि से करोगे। तो ये था शब्द। तो फ्रेंड्स ये शब्द थे, ठीक है। तो ये शब्द जो है वो ये प्रमाण से रिलेटेड है। तो ये जो शब्द है, ठीक है, तो ये प्रमाण के अंदर आते हैं, किसी को वैलिड। तो फ्रेंड्स देखिए अगला है उपमान। उपमान का अर्थ क्या है? देखिए उपमान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है तुलना। यानी कि उपमान का अर्थ क्या है? तुलना। जब हम किसी चीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हमें किसी चीज़ की तुलना करनी है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो उन चीज़ों का दोनों में आपस में कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जब दो चीज़ों का आपस में कनेक्शन होगा तभी उसकी हम तुलना कर पाएंगे। दूसरी बात कि अगर हमें किसी की तुलना करनी है तो हमें पहली चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तुलना के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए जैसे आजकल चुनावी मौसम है, चुनाव में क्या है कि जैसे अगर आपको अपना वोट डालना है तो आप कंपैरिजन करके देखोगे कि आप चल रही सरकार को वोट डालोगे या नई सरकार को, सॉरी नई पार्टी को, ठीक है, वोट डालोगे, किसको वोट डालोगे, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट को चुनना है। तो आप ये कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब आपने पिछली बार वोट डाला था या जब आपको किसी पार्टी के बारे में पता है कि वो कैसे काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह है उपमान की दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना, ठीक है, तुलना करके देखना। तुलना आप तभी करोगे जब आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ पता हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? जैसे दूसरे एग्जाम्पल, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एग्ज़ाम, आपने दोनों दे रखे हैं, तो आपको ये दोनों पता होगा कि ये कैसे देने हैं। तो आप उसकी तुलना कर पाओगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि दोनों में से कौन बेटर था, कैसे देना है, ठीक है। देखिए यह भारतीय दर्शन में प्रमाण या सही ज्ञान के स्रोतों में से एक है, लेकिन दर्शन के सभी हिंदू स्कूल एक विशिष्ट प्रमाण के रूप में मानकर स्वीकार नहीं करते। देखिए वैसे तो ये है कि प्रमाण में जो उपमान है, यानी कि जो उपमान है वो प्रमाण का एक भाग ही माना जाता है, पर कुछ हिंदू जो स्कूल हैं, जो हिंदू फिलोसफिकल जो स्कूल है, वहाँ पे प्रमाण के रूप में मान को स्वीकार नहीं किया जाता। उपमान किसी ज्ञात चीज़ के लिए अपनी समानता के आधार पर पहले से ज्ञात चीज़ का जुड़ाव है। देखिए उपमान क्या है? ज्ञात चीज़ के लिए, यानी कि जो चीज़ हमें ज्ञात है, पता है, वो समानता के आधार पर है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से ही पता है तो हम उस चीज़ का जुड़ाव या उस चीज़ का कनेक्ट आपस में कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण के लिए जिसने कभी जंगली बैल नहीं देखा उसे बताया जाता है कि वह गाय जैसा दिखता है। अब देखिए कि जिसने जंगली बैल देखा नहीं है उसे यह बताया जाता है कि वह गाय जैसा दिखता है। यानी कि अगर आपके माइंड में फोटो छप चुकी है गाय की, अगर आप जंगली भैंस देख जंगली बैल देखोगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है कि अगर आपने पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है यूजीसी नेट के लिए, अब आप इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो यूजीसी नेट के लिए, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर पाओगे कि दोनों में से सही कौन सा है, ठीक है, आपको किस में जो है कंफर्टेबल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने किया शब्द उपमान।